कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री व दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के सुर अब बदले बदले दिखाई पड़ रहे हैं और इन बदले हुए सुर की वजह से कांग्रेस के निशाने पर सिंधिया आ गए हैं। कांग्रेस में रहते हुए जिन मुद्दों पर ये नेता पलटवार किया करते थे, अब भाजपाई हो जाने के बाद इन्हीं मुद्दों से किनारा कर चुके हैं। कांग्रेस में रहते हुए अतिथि विद्वानों यानी गेस्ट स्कॉलर्स के नियमितीकरण पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। सिंधिया को भाजपा में शामिल हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब ये मुद्दा उनकी चर्चा में नहीं है। इन सभी विषयों पर सिंधिया ने खामोशी ओढ़ ली है। बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी सिंधिया अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण पर खामोश हैं। कांग्रेस छोड़ते समय सिंधिया समर्थकों की ओर से कहा गया था, यहां हमारी बात नहीं सुनी जाती। साथ ही सरकार ने जो वचन पत्र में कहा उसे पूरा नहीं किया, हम इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। इधर बीजेपी में आते ही सिंधिया समर्थक भी इन मुद्दों से पीछे हट गए। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है, अभी तो प्राथमिकता कोरोना है, बाकी सब चीजें बाद में देखी जाएंगी। अभी तो मंत्रिमंडल का गठन होना है, फिर इन बातों पर चरणबद्ध तरीके से देखेंगे मुख्यमंत्री। शिवराज सरकार में मंत्री बने तुलसी सिलावट ने कहा, गरीबों किसानों अतिथि विद्वानों की समस्याएं दूर करने का वचन पत्र में वादा किया गया, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए हमने इस्तीफा दिया। अब मुख्यमंत्री किसानों को बोनस बांट रहे हैं, गरीबों के लिए संबल लेकर आए हैं। अभी कोरोना है, शुद्ध का युद्ध के बाद ही सोचा जाएगा। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बड़े बड़े वायदे करते थे, अब सिंधिया के खिलाफ उनके मंत्रियों की राजनीति पड़ती जा रही है, क्योंकि सिंधिया के ये 2 बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं कि अभी प्राथमिकता मुद्दे नहीं बल्कि कोरोना से राहत है, जिस पर कांग्रेस हमलावर रुख अपनाती हुई देखी जा रही है। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।